स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? फाइन, ओके। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मैथ सब्जेक्ट। ओके, सो प्लीज एवरीवन ओपन योर बुक। थीम थ्री, पेज नंबर 2020 में आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? ये दिया है आपके बुक्स में पैटर्न्स। ओके, सो प्लीज इस बुक में जो दिया हुआ है इसे हमें आपको बोर्ड के थ्रू समझाएंगे। सो प्लीज एवरीवन लुक एट द बोर्ड प्लीज। मैथ सब्जेक्ट में क्लास फर्स्ट में हमारा आज का टॉपिक है पैटर्न्स ए बी। ओके, हमें इसमें क्या देखना है? रीड द पैटर्न एंड कंप्लीट इट एंड कलर इट। ये हमारे इसमें दिया हुआ है। कौन सा पैटर्न दिया हुआ है? ए और बी पैटर्न्स, ए बी। ए बी पैटर्न्स में क्या करना है बच्चों? ए नंबर पे दिया है ये स्टार एंड बी नंबर पे क्या दिया है? ये हमारा दिया हुआ है ये स्क्वायर। ओके, इसी प्रकार से नीचे हमें क्या करना है? ये दिया है स्टार, फिर स्क्वायर, स्टार, स्क्वायर, स्टार, स्क्वायर। मतलब एक के बाद ये जो पैटर्न दिया हुआ है इसी पैटर्न से हमें आगे भी वर्क करना है। ओके, इसके बाद नीचे में दिया हुआ है यही पैटर्न आपको क्या दिया है? ये ए नंबर का है एंड ये बी नंबर का है। ओके, ए नंबर पे क्या दिया है? ट्रायंगल एंड बी नंबर पे क्या दिया हुआ है? सर्कल। नेक्स्ट, फिर ट्रायंगल देन सर्कल, ट्रायंगल देन सर्कल। ओके, इसी पैटर्न से हमें यहाँ पर भी क्या करना है? वर्क आगे सेम ऐसे ही इसी पैटर्न में करना है। सेम इसी प्रकार से ये आगे भी दिए हुए हैं। इन पैटर्न को हमें आगे तक वर्क इसी पैटर्न में करना है। समझ में आया सभी को? तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है इसमें। सबसे पहले दिया है स्टार। व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्टार। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर जो स्टार दिया है फिर क्या दिया है? स्क्वायर, स्टार, स्क्वायर, स्टार, स्क्वायर। देन अब यहाँ क्या आएगा बच्चों, बताइए? यहाँ पर हमें अब क्या बनाना है? स्टार। ओके, तो स्टार देखिए किस टाइप से बनाना है हमें? इस टाइप से स्क्वायर स्टार को हमें ये बनाना है। देन स्टार के बाद क्या आएगा? फिर स्टार के बाद स्क्वायर। इस प्रकार से हमें ये वर्क को कंप्लीट करना है। समझ में आया सभी को? देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या दिया है? फर्स्ट में दिया है ट्रायंगल, देन सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल। देन अब यहां पर क्या आएगा? ओके, बताइए, यू मी आंसर प्लीज। यहां पर हमें क्या बनाना है? ओके, ट्रायंगल, देन इस सर्कल। समझ में आया सभी को? इस प्रकार से ये वाला वर्क हमें कंप्लीट करना है। एंड नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या दिया है? ये क्या बनी हुई है? ये एक लीफ, लीफ मीन्स पत्ती। देन नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? एक प्रकार की लीफ टाइप की दी हुई है, फिर लीफ, फिर मेटी। इस प्रकार से इस पैटर्न को भी हमें क्या करना है? आगे तक बनाना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये यहाँ पर क्या आएगा? लीफ।
हमें शो करना है। इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। देन नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज दिस? बैट बॉल। देन नेक्स्ट क्या आएगा? बैट। ओके, इस प्रकार से बैट बनाना है और ऐसे इसे कंप्लीट करना है। देन यहां पर क्या आएगा? बॉल, बैट एंड बॉल। ओके, बैट एंड बॉल में ये आप लोगों को बनाते बनेगा। यस, इस प्रकार से आप लोगों को ये वर्क को कंप्लीट करना है। समझ में आया सभी को? रिपीट अगेन प्लीज। हमें पैटर्न ए बी में क्या दिया हुआ है? इस प्रकार से ए में क्या दिया है? ये स्टार एंड बी में स्क्वायर। इसी प्रकार से स्टार स्क्वायर, स्टार स्क्वायर, स्टार स्क्वायर। देन नेक्स्ट में हमें स्टार एंड स्क्वायर ही इसमें करना है। ओके, देन नेक्स्ट देखिए, ट्रायंगल सर्कल, ट्रायंगल सर्कल, ट्रायंगल सर्कल, ट्रायंगल एंड सर्कल। ओके, लीफ में लीफ, ये इस प्रकार से इस वर्क को भी कंप्लीट करना है। देन नेक्स्ट भी फिश एंड ट्री एंड बैट एंड बॉल, इस प्रकार से आप लोगों को इसे कंप्लीट करना है। एंड अब हमें क्या करना है बच्चों? कलर, कैसे कलर करना है? देखिए, ये जितने भी बने हुए हैं इन्हें हमें क्या करना है? कलर करना है। इस प्रकार से सारे स्टार को, जितने भी स्टार बने हुए हैं, इस स्टार को हम कौन सा कलर लेकर कर रहे हैं कलर? ये है हमारे पास कलर ऑरेंज कलर, और ऑरेंज कलर से हम इस स्टार को क्या किया हमने? ये इस प्रकार से कलर किया। एंड अब हमें क्या करना है? इस स्क्वायर को भी कलर करना है। इसके लिए हमने कौन सा कलर लिया हुआ है? इस कलर को इसे हमने ब्लू कलर से कलर करने के लिए इसे लिया हुआ है। ओके, समझ में आया सभी को? इस प्रकार से हमारे जो सारे स्क्वायर हैं क्या हो गए? कलर। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी हमारे क्या है? ट्रायंगल एंड सर्कल। ट्रायंगल जितने भी दिखाई दे रहे हैं, इन ट्रायंगल्स को हमने कौन से कलर से कलर किया? ब्लू कलर से। एंड अब जो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, इस सर्कल को हम कौन से कलर लिए हैं? इसके लिए, इसके लिए हमने दिया है ये ऑरेंज कलर। ओके, इस प्रकार से सारे कंप्लीट होते हैं। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट के लिए हमने कौन सा कलर लिया? ये हमारे पास लीफ दिख रही है, पत्ती दिख रही है, इसके लिए हमने कौन सा कलर लिया है? ये कलर है हमारे पास ऑरेंज। ओके, ऑरेंज कलर। देन ये जो दिख रहा है, इसके लिए हमने क्या लिया? ब्लू कलर। और इस प्रकार से लगभग हमारे सारे कलर कैसे हो गए इस बार के? कंप्लीट। ओके, देन नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास क्या रखी हुई है? दिस इज अ फिश। फिश, फिश को भी हमने कौन सा कलर लिया? फिश को हमने ब्लू कलर से कलर किया। ये इस प्रकार से ये सारे फिश ब्लू कलर। एंड इसमें हमें और कौन सा कलर लेना है? इसमें हमें ऑरेंज कलर। ओके, ऑरेंज कलर से इसकी जो टेल है, देन इसकी जो फेदर है, फिन है, इन्हें हमने येलो कलर से कलर किया है। ओके, यस। एंड अब क्या बचा है? ये ट्री। इस ट्री को भी हमने कौन सा कलर लिया? ट्री को हमने ब्लू कलर लिया है। और ब्लू कलर से इस ट्री को हमने क्या किया? सारे ट्री को कलर कर दिया। देन इस प्रकार से कंप्लीट। एंड नेक्स्ट देखिए, बैट एंड बॉल। बैट एंड बॉल के लिए हमने कौन सा कलर दिया है? बैट के लिए हमने दिया है ऑरेंज कलर। एंड बॉल को हम कौन से कलर से करेंगे? और इसे हम ब्लू कलर से करेंगे। ओके, इस प्रकार से ये सारे बैट हमारे क्या हो रहे हैं?
कलर हो रहे हैं और अब हम किसे कलर करेंगे, बॉल को। बॉल को हम दो तीन कलर ले लेते हैं इसे कलर करने के लिए। ये है हमारे पास ब्लू कलर एंड ऑरेंज कलर। ब्लू एंड ऑरेंज कलर से इस बॉल को हमने क्या किया, कलर किया। ओके, इस प्रकार से हमारे सारे जो ये बलून है, बहुत सारे बॉल है, वो क्या हो चुके हैं, कलर। तो सभी को समझ में आया, हमारा जो क्लास वर्क था हमें क्या करना था, पैटर्न को फॉलो करना था एंड पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने ये जो बने हुए हैं इसी के बाद हमें यहाँ पर हमें वर्क करना था। ओके, तो बच्चों ये हमारा आज का क्लास वर्क है। देन होमवर्क में हमें क्या करना है, होमवर्क में हमें यही वर्क करना है, सेम टू सेम। ओके, होमवर्क भी हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम एज क्लास वर्क। ओके, सेम एज क्लास वर्क, मतलब क्लास वर्क के समान ही हमें क्या करना है, होमवर्क करना है। समझ में आया सभी को? और जिसके पास बुक है तो वो अपने बुक में ही इस वर्क को कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 2020 में ये सारा वर्क दिया हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे, बुक में ही कंप्लीट करेंगे। एंड जिसके पास बुक नहीं है, आप लोग वीडियो देख करके अपनी मैथ्स की नोटबुक में इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, एंड कंप्लीट करके हमें सेंड करेंगे। ओके बच्चों, सो आप लोगों को ये सारा वर्क डेली कंप्लीट करना है।